एबीपीएस एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जाने खुर्द में स्थित डिमोली गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने नरेशवती को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 2200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से दूरी 18 किलोमीटर तथा ब्लॉक से दूरी 12 किलोमीटर है। लगभग 1632 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। गाँव में 223 राशन कार्ड धारक है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 27 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ गांव में प्राइमरी स्कूल में सीसी रोड, सीसी टाइल्स रोड, नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से गांव में शमशान घाट का सौंदर्यकरण, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। चंद है ग्राम प्रधान भावी बासठ टेकरी और ब्लॉक जानने थाना जानने जिला मेरठ तहसील मेरठ। 50 पर्सन चाहिए, 50 पर्सन विधवा विकलांग, कुछ जो गरीब आदमी उन लोगों की भी चाहिए, कुछ 8-10 RCC दोनों गाँव में भावी में बास टेकरी में होनी चाहिए। शमशान लो RCC होनी चाहिए। एक नाला है, नाला 400 मीटर का नाला है, झोल से लेकर सड़क तक नाले तक उसको वो पक्का बनना चाहिए। एक सुगंध के मकान से लेकर जालियों के मकान तक RCC होनी चाहिए, 150 मीटर है। और ये एक बरात घर चाहिए, जगह में बरात घर नहीं है, परेशान बहुत लोग परेशान हैं। जो जो पंचायती भवन है उसकी मरम्मत होनी चाहिए। और जो भी कराए हैं, दो तो RCC गिरवाई हैं, 190 लाइटिंग बनाई हैं, और ये स्कूल में फर्श कराया है, 8 वाले में पंचायती भवन में फर्श कराया है, एक मकान बनवाया है, अब आंगनबाड़ी का वो बनाया है, आंगनबाड़ी भवन बनाया है। और जी मेरे यहाँ स्कूल नहीं है भवी में, प्राइमरी जब स्कूल था वो ढा दिया, और मुझे उसके पैसा चाहिए। और एक झोल को तालाब खुदवाया है, दूसरे तालाब का और पैसा चाहिए, दो तीन तालाब है मेरे यहाँ, उसमें भी कार्य होना चाहिए। और जी भवी गांव में 5-7 RCC हैं, वे कौन सी हैं, 10-15 मकान मिलने चाहिए मुझे, मकान है गरीब आदमियों के, मकान नहीं है, 15 मकान मिलने चाहिए कम से कम।